मानव अधिकार की जिलाध्यक्ष फरहा नईम ने पुलिस प्रशासन व पत्रकारों को मास्क व फ्रूटी वितरित की। सिंहारा लॉकडाउन के चलते कोरोना वायरस की इस महामारी को लेकर मानव अधिकार की महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष फरहा परवीन व नईम ने नगर सिंहारा की पुलिस प्रशासन व पत्रकारों को मास्क व फ्रूटी का वितरण कर एक सराहनीय कार्य किया। नगर सिंहारा के मोहल्ला पीर का बाजार निवासी एक समाज सेविका फरहा परवीन व नईम ने बताया कि हम अपने ही खर्च से मास्क व फ्रूटी बिस्कुट वितरित कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से ही हम मास्क फ्रूटी व बिस्कुट या खाने पीने की चीजों को वितरित करते चले आ रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा हम इसी तरीके से लोगों की सेवा करते रहेंगे। जैसे जैसे मौका मिलता रहेगा वैसे ही हम यह कार्य पूर्ण रूप मन लगन से करते रहेंगे। फरहा परवीन ने यह भी बताया है कि पुलिस प्रशासन व पत्रकार अपने परिवार अपने बच्चों को छोड़कर जनता की सेवा में लगे हुए हैं और उन्होंने यह भी बताया है कि पुलिस प्रशासन रात दिन मेहनत व लगन से कार्य कर रही है। वो केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरी जनता के लिए कार्य कर रही है। हम पुलिस प्रशासन को दिल से मन से पुलिस प्रशासन की सराहना करते हैं। फरहा परवीन का कहना है कि यदि पुलिस प्रशासन इसी तरीके से मेहनत करती रही तो एक दिन कोरोना वायरस को हारना ही पड़ेगा। सुगम समाचार से नितेश कुमार कामिल टिकू की रिपोर्ट। जी मैडम, आपका नाम क्या है? अच्छा, आप जो ये मास्क वितरण कर रही हैं कब से कर रही हैं और कितने लोगों को कर चुकी हैं? जी, काफी टाइम से कर रहे हैं, जब से लॉकडाउन हुआ है। लॉकडाउन के दौरान से हम लोग मास्क वितरण का काम कर रहे हैं और जूस प्रोवाइड करा रहे हैं प्रशासन विभाग को। जो लोग ऑन ड्यूटी हैं और थके हारे हैं और मतलब वैसे लोग हैं जो मतलब अपनी लगाकर अपना काम कर रहे हैं और ऐसे में हम लोगों को उनके लिए करना बनता है। कितने मास्क आप वितरण कर चुकी हैं अब तक? अब तक 1000 से भी ज़्यादा मैं मास्क वितरण कर चुकी हूँ और उससे पहले मैं एसओ साहब को भी मास्क दे के आई हूँ।